डिवेंचर आता है क्या? डिविडेंड आता है? आज तो तुम्हें यही बताओ आता है नहीं यार। और अगर ये आता है या नहीं आता है उससे डिसाइड होगा कि तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता। आता है डिविडेंड कभी नेट प्रॉफिट निकालने के पहले नहीं आता, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। और ये डिविडेंड आता है या नहीं आता है, इसकी स्पेलिंग नहीं आती है। तो आता है, ये इनकम है, ठीक है, इनकम है, पीएनएल में आएगी। लेकिन जो आपका डिविडेंड आप जो पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो पीएनएल में नहीं आता। पीएनएल में वो चीजें आती है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तीनों को अलग अलग बिठा दूंगा अगर कोई भी एक्टिविटी मुझे करते दिखाई दे तो। मैं तेरे मासूम चेहरा मत बनाया करूं। देखो यहां पे डेप्रिसिएशन बैड डेट, वो ऐसे देखते ही पता नहीं किसके बारे में बात चल रही है। और क्या तुम पागल हो गए, मुझे भी कर दोगे? हाँ ठीक है, आप मुझे दो तीन अपने मन से लिख लें तू, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं अपन यहां पे, ऐसा दोबारा मत करना, जो भी हो पता तो चली जाएगा, ठीक है। और बाहर जाते हुए जब देखोगे तो सबको पता चल जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। और हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दे रहा हूं बस मैं, ठीक है। हाँ और डाउटफुल डेट और खत्म है, ठीक है। और ये आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, देख लेना, किसी के सामने ना लगे तो फिर डाउट पूछ लो तुम कि सर इसके सामने क्यों नहीं लगाए, नहीं लेंगे क्या, ठीक है। चलो क्या, अरे लगा है उसके आगे, ठीक है यार समझे, बस बस ठीक है सुनो। हाँ हो गया, अब जो इनडायरेक्ट मेथड है अब सुनना ध्यान से, अभी तक मजाक चल रहा था, ठीक है ओके। इनडायरेक्ट मेथड है वो, हमें उसमें क्या करना है, उल्टे डायरेक्शन से काम करना है। मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मेट बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट को ही हम क्या मान लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लो। मतलब ऐसा समझो कि आपको साल भर में जो भी प्रॉफिट हुआ, आप मान लो कि जितना भी प्रॉफिट हुआ वो किस एक्टिविटी से हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ, और जितना प्रॉफिट हुआ है उतना पैसा आपके पास आ गया होगा। फिर से मैंने क्या बोला कि आप क्या मान लो कि जो नेट प्रॉफिट है ये किस एक्टिविटी से हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया होगा, इतना, जितना कहां दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो ने बोला कि ऐसा मान लो आपकी नेट प्रॉफिट में जो भी दिखाई दे रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया, तो इसको मैं बोला हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। मान लो यहां पे 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है, तो 1,00,000 रुपए वो बोल रहा है कि मान लो किस एक्टिविटी से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,00,000 रुपए आए हैं ऐसा मान लो। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि 1,00,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया है, तो इसका यह मतलब होता है कि जो भी पैसा आया है वो सारा किस एक्टिविटी से आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यानी जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है कहां से आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इसका यह मतलब होता है कि जहां जहां से पैसा आया वो सब किस एक्टिविटी से आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, और जहां जहां पैसा गया है वो सारा किस एक्टिविटी का आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो किस एक्टिविटी से आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। ठीक है वो हो जाएगा, अपनी क्लास का काम उछल रहा है। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा है?
ठीक है प्लीज सुने, बस एक मिनट में हुआ जा रहा है तो शांत हो जाएंगे, फिर अपन पढ़ते हैं ना, अपन को तो बहाना चाहिए। बस हो गया ठीक है, ठीक है सुन लो, अब हुआ है ना हुआ यहां ध्यान से सुनना। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि नेट प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मान लो। अगर आप नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा मानते हैं कि जो भी पैसा आया वो सब किस एक्टिविटी से आया, ऑपरेटिंग से, और जो भी पैसा गया वो सब किस एक्टिविटी में गया, ऑपरेटिंग में। इसमें दो अजम्पशन ले रहे हैं आप, पहला अजम्पशन आप ले रहे हैं कि सारी चीजें कौन सी एक्टिविटी की है, और दूसरा अजम्पशन आप ले रहे हैं कि इतना पैसा आया होगा, पैसा आया होगा ठीक है, और आप ए अजम्पशन ले रहे हैं कि इतना पैसा गया होगा। फिर से देख लें, अगर इतना पैसा आप बोलते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,00,000 रुपए आए, तो मान लो यहां का टोटल हो रहा है 8,00,000, और एक खर्चे का टोटल हो रहा है कितना, तो फिर एक कैसे बचेगा, 7,00,000। ठीक है, तो आप जब बोलते हैं कि 1,00,000 रुपए नेट प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा आया, तो इसका मतलब है कि जो ये 8,00,000 आया ये सारा किस एक्टिविटी से आया, ऑपरेटिंग से आया। और आप दूसरा जम से नहीं लेते हैं कि 8,00,000 रुपए आए हैं, आप यहां जमसन ले रहे हैं कि जो भी खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, और दूसरा जमसन आप ले रहे हैं कि सारी एक्टिविटी में जो जो खर्चा दिख रहा है उसमें पैसा गया होगा। मतलब आप ऐसे जमसन ले रहे हैं कि इतना पैसा आया होगा और इतना पैसा गया होगा, और इतना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है और इतना पैसा जो गया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया है, तभी जो नेट प्रॉफिट है वो किस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। आपको जब तक ये दो अजम्पशन क्लियर नहीं समझ में आते तब तक बात बढ़ेगी नहीं, और बस इतनी सी बात समझ में आ गई, इनडायरेक्ट मैडम खत्म है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, तुम बोर हो सकते हो चाहो तो, कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि एक कैश फ्लो मतलब 1,00,000 रुपए आए होंगे, और दूसरा मतलब होता है कि जो 1,00,000 रुपए है किस एक्टिविटी से आए होंगे, ऑपरेटिंग से आए होंगे, जिसका इनबिल्ट अजम्पशन है कि जो भी इनकम है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम है, और जितनी भी इनकम दिख रही है उन सब से पैसा आया होगा। और दूसरा इनबिल्ट अजम्पशन ये है कि जितने भी खर्चे दिख रहे हैं वो सब कौन सी एक्टिविटी के हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, और इन सारी एक्टिविटी में पैसा गया होगा। क्या ये बात समझ में आई, इन बातों को थोड़ा सा सीरियस समझना, ठीक है, नहीं समझ में आए पूछना, मजाक में मत निकाल देना, यही क्रक्स है कैश फ्लो का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, हर बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा लॉजिक जो आपका क्लियर ना हुआ हो, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जैसा भी तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा हर डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर ये बात क्लियर है तो। और जब भी मैं रेफर करूंगा इसी को रेफर करूंगा, चाहे आज से चौथे लेक्चर पर रेफर करें, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। तो इसका मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि इन सब चीजों में पैसा गया होगा, मतलब सैलरी में पैसा गया होगा, रेंट में पैसा गया होगा, ऑफिस में पैसा गया होगा, इस सारा हमने माइनस किया, मतलब हमने माना कि इतना पैसा गया होगा, और हमने ये माना कि इतना पैसा आया होगा, सही है, यही अजम्पशन है हमारा। हाँ बोलो, एक्रुअल बेसिस पे करते हैं, ठीक है, अब मैं बस तुम्हें आंसर कर रहा हूं, समझ जाना। करंट वर्किंग कैपिटल चेंज लेते हैं हम, तो करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो कुछ करते हैं, करंट एसेट बढ़ता है तो कुछ करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज का कुछ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, वो बात वहां कवर हो जाती है, ठीक है, मैं बस उस बात को छेड़ नहीं रहा हूँ, बाकी वहां कवर हो जाएगी तो मैं समझा दूं, है ना। उन्होंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस यही सब तो समझ में, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर ये बात तुम्हें अच्छे समझ में आ जाती। तो देखें, तो हमने ऐसा माना कि इन सब में पैसा आया होगा, और हमने ऐसा माना कि इन सब में पैसा गया होगा, हमने ये माना कि सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं, और हमने ये माना कि सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूं मैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने लिखा कि जो 1 लाख रुपए है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखा मैंने? नेट प्रॉफिट किस एक्टिविटी का कैश फ्लो है? ऑपरेटिंग का। बोले तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, मैं तो यही चाहता हूं हमेशा। देखो यहां देखो, दुख मत मनाओ। यहां देखो मैं पहले कुछ चीजें हटा दूं जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी बता दूंगा। सुनो क्या क्या पूछ रहे हो। लॉ की क्लास नहीं है, 6 बजे से टेस्ट है। ठीक है, कितने बज गए अभी? नहीं, हो सकता है 5:30 से टेस्ट हो, पता चल जाएगा ना, मैं बता दूंगा। यहां देखो, शांत रहो। यहां देखो, अब इसमें ये जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या सोच के जुड़ा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से पैसा आया होगा? क्या आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से पैसा? दूसरा क्या सोचा था हमने, किस एक्टिविटी की वजह से जुड़ा हुआ है? तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है? तो क्या ये जुड़ा होना चाहिए था? तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता है। लेकिन ये इसमें जुड़ा हुआ है क्या? तुम्हें दिख रहा है वहां से इधर साइड में? तो यहां आओ तुम, वहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। तुम्हें दिख रहा है? ऐसे तुम आधा कैश फ्लो समझ के निकल जाओ। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है क्या इसके अंदर? बताओ, जुड़ना चाहिए क्या? क्या कैश आया होगा? लेकिन क्या ऑपरेटिंग का इनफ्लो है? लेकिन हमने तो माना था कि सारा ऑपरेटिंग का इनफ्लो है, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग का इनफ्लो नहीं है। हम इसको कहां दिखा देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। तो हम इसको यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दूसरा डिविडेंड रिसीप्ट, डिविडेंड की इनकम। क्या डिविडेंड का पैसा आया होगा? आता है, नहीं आया होगा तो भी समझाऊंगा, अभी तो ऐसा मानो आया। क्या ये ऑपरेटिंग का इनफ्लो है? क्या ये जुड़ा हुआ है? क्या ये जुड़ना चाहिए था? तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे डिविडेंड इनकम। ठीक है, डिविडेंड को हम इसमें से हटा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या प्रॉफिट ऑन पर पैसा आया होगा? बता बता बता, आया होगा क्या? मतलब हमने एसेट बेचा तो पैसा आया होगा, है ना? लेकिन किस एक्टिविटी का इनफ्लो है और हमने कहां जोड़ रखा है? इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, बस अब तो रिदम में आ गया तुम। सैलरी माइनस हो रखा है। क्या सोच के माइनस किया था? दो चीजें सोच के माइनस किया था। एक तो पैसा गया होगा और दूसरा किस एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग। तो क्या सैलरी में पैसा जाता है? क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? तो माइनस कर चुके हैं, तो रहने दो। रेंट के साथ ऐसा ही होगा। ऑफिस एक्सपेंस फिर से बोल लेते हैं, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस क्या ऑपरेटिंग खर्चा है? पैसा जाता है, माइनस हो चुका है, माइनस होना चाहिए था। एंजॉय कर रहे हो तुम? तो पढ़ के तो नहीं आ गई? देखो नहीं कर रहा है, मैंने इस बार सीक्वेंस चेंज करा है, पहले कुछ और लिखा था। तो डेप्रिसिएशन क्या? एक मिनट रुक जाओ, ऑपरेटिंग खर्चा है या नहीं? हमने माइनस करते समय 2 अजम्पशन लिए कि खर्चा ऑपरेटिंग होगा, है। दूसरा कि पैसा गया होगा, गया क्या? नहीं गया, लेकिन हम तो माइनस कर चुके हैं ऐसा सोच के कि पैसा गया होगा, तो हमें गलत कर चुके हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को एडबैक करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का? बेटर भी बात कर लेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी, इसलिए हटा रहा हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है? क्या करना है इसका? हाँ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट का पहले है क्या? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। आपके पास एक फिक्स एसेट था जिसकी WDV थी 80,000। हो सकती है 80,000 WDV किसी चीज की? हो सकती है। आपने इसको सेल कर दिया 70,000 में। कितने में सेल कर दिया?
आपको कितने का लॉस हो गया? आप लॉस को नॉर्मली अकाउंट में कहाँ दिखा देते हैं? पीएनएल में दिखाते हैं, तो आपने 10,000 का लॉस यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसेट बेचने पे भले ही लॉस हो जाए, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं होता, होगा तो इनफ्लो ही। तो अगर आप 80 का सामान 70 में भी बेचते हैं तो इनफ्लो होगा कितने का? 70 का। आउटफ्लो तो किसी कीमत पे नहीं होगा, लेकिन जब तुम यहां 10,000 माइनस कर रहे हो तो तुम तो दो अजम्पशन ले रहे हो ना। पहला तो कि ये ऑपरेटिंग का खर्च है, चलो उसको एक साइड कर दो अभी 2 मिनट के लिए, और तुम दूसरा ये मान रहे हो कि इसमें पैसा गया होगा। तो क्या लॉस होने पर पैसा चला जाता है? नहीं जाता, जो पैसा आया होता है वो थोड़ा कम आता है, लेकिन पैसा जाता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम पहला पॉइंट लगाएं कि भाई ये ऑपरेटिंग है, तो भी ये ऑपरेटिंग की एक्टिविटी नहीं थी हमारी, फिर भी उसको इग्नोर करो 2 मिनट के लिए, तो क्या पैसा गया है? लेकिन तुम क्या कर चुके हो? माइनस कर चुके हो। क्या मानकर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा गया होगा, जबकि पैसा नहीं गया है। तो क्या करें बताओ बताओ? प्लस करें तो प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर इन्वेस्टमेंट होते तो यही बात आती सामने। मैं चाह रहा हूं तो इस बात को थोड़ी देर और समझ लो, मतलब मैं समझा नहीं रहा हूं, मतलब 1 मिनट बस, कि जब भी नुकसान होता है तो भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन पैसे का आउटफ्लो नहीं होता है, पैसे का तो इनफ्लो ही होगा। ठीक है, तो जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखूंगा? फिक्स एसेट बेच के कितना पैसा आया बताओ? 70 80? क्या 70? क्या सच में 70 ही आए हैं? तो मैं इन्वेस्टिंग में लिखूंगा कि सेल प्रोसीड ऑफ जो भी बेचा है हमने मशीन, कितना? 70। अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन से कितने कैश का फ्लो हुआ है? 70। इनफ्लो या आउटफ्लो? तो मैं 70 को लिख दूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैं लिख ही देता हूं यहां पे छोटी सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दूंगा मैं सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितनी? 70। बस 70 ही आए ना, तो तुम्हें केवल 70 ही लिखने चाहिए थे, वो तुम लिख चुके हो। अब तुम्हें 10,000 तो फालतू में लिख चुके हो ना, केवल 70,000 आए हैं, तुम 70,000 इन्वेस्टिंग में दिखाओ। क्या 70,000 आए हैं और 10,000 गए हैं? तो तुम 70 यहां दिखा रहे हो आए, और तुम्हारे हिसाब से यहां कितने गए, क्योंकि तुम इसको माइनस कर चुके हो, तो थोड़ी ना ऐसे गए हैं पैसे, तो आप गलत कर रहे हैं यहां पे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे? 10,000 प्लस करने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? पक्का? और ऐसा तो हम करते नहीं कि यहां 80 दिखाया था इसलिए 10 हटा दिए, ऐसा कुछ करते नहीं हम। ठीक है, तो आप इसीलिए आप इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। और देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। तो देखें, जो माइनस कर चुके हैं, माइनस होना चाहिए था, ठीक है रहने दें, जो माइनस कर चुके हैं लेकिन जिनसे पैसा नहीं गया, उसको क्या कर दें? प्लस कर दें। माइनस हो चुका है, क्या कर दें? प्लस, क्योंकि माइनस हो चुका है। ना हुआ होता कुछ ना करते। कल हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, हमने डेप्रिसिएशन का कुछ किया क्योंकि हमने माइनस नहीं किया था। यहां क्यों हम प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं, हम ऐसी चीज को माइनस कर चुके हैं जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? प्लस। अगर हमें ही शुरू करना होता है क्वेश्चन और डायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हम, तो हम डेप्रिसिएशन का जिक्र भी ना करते, है ना, हमने किया। ठीक है, क्योंकि जो पैसा आया वो लिखा, जो पैसा गया वो माइनस किया। डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं गया था इसलिए माइनस नहीं किया, लेकिन ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं माइनस, तो इन्होंने गलती कर दी है, हम उस गलती को क्या कर रहे हैं? अभी सुधार रहे। ठीक है, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, ये भी हमने इसलिए प्लस किया। डिस्काउंट वाला पॉइंट समझा दूंगा, ये सब डेटर अकाउंट से समझ में आ जाते हैं। कमीशन ऑपरेटिंग खर्चा है, गया होगा, माइनस कर दिया। ये वाला देखो पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या पैसा गया होगा? गया होगा। क्या ऑपरेटिंग का खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस एक्टिविटी का खर्चा है? फाइनेंसिंग। तो पैसा तो गया होगा, आप सही हैं, लेकिन किस एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग। तो आप इसको फाइनेंसिंग में दिखाओ। ठीक है, कहां पे दिखाएं आप इसको? फाइनेंसिंग में दिखाएं, इंटरेस्ट पेड जितना भी गया होगा, मान लो यहां 8,000 रुपये लिखते हैं हम, तो आप फाइनेंस में दिखाएं कि 8,000 रुपये का इंटरेस्ट चुकाया। ये ऑपरेटिंग का खर्चा
नहीं है, लेकिन क्या आप माइनस कर चुके हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्लस कर देंगे टू क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर ऑन लोन, ठीक है, जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन दिया होगा उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं। तो बात समझ में आ रही तुम्हें, चूंकि हमने ऐसा मान लिया था शुरुआत में कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो जिसमें दो अजम्पशन इन्वॉल्व हो जाते थे कि जो भी जोड़ा है जो भी हटाया वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का था, और जो भी जोड़ा और हटाया या तो उससे पैसा आया होगा या पैसा गया होगा। तो फिर हमने छांटना शुरू किया कि यार जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं थे लेकिन हम हटा चुके हैं, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं थे और हम जोड़ चुके हैं, उनको हम सुधार रहे हैं, मतलब हमें जो नहीं करना चाहिए था हम कर चुके, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने किया, जैसे डेप्रिसिएशन को हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि हट चुका है लेकिन इसमें पैसा नहीं गया। इंटरेस्ट को हमने क्यों प्लस किया, पैसा तो गया लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो नहीं है। एक इस एक्टिविटी का आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, तो हम वहां दिखाएंगे, हमने दिखा दिया कि देखो पैसा गया, इंटरेस्ट पेड वाला अमाउंट गया, ठीक है। चलो और बताना है, ये सब काम का है, ठीक है, सब कुछ यूज होगा तुम्हें। गुडविल राइट ऑफ की गई, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, आप करते हैं पी एंड एल टू गुडविल, ठीक है, आपने गुडविल राइट ऑफ कर दी, आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए। तो जब आप गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो क्या कैश का आउटफ्लो होता है, नहीं होता, ये तो कोई खर्चा दिख रहा था जिसको आपने पी एंड एल में डाल दिया, आपने चुकाया नहीं है, आपने कभी चुकाया होगा। मैं पूरा समझा देता हूँ गुडविल में क्या होता है। अगर आपने आज गुडविल खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो माना जाएगा, किस एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप गुडविल में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप फिक्स एसेट खरीदते हैं तो वैसे ही गुडविल फिक्स एसेट में इंटेंजिबल एसेट होती है। आपने अगर नया पी एंड एल का नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा हो, नहीं देखा हो, पुराने का देखा हो, तो उसमें लिखा रहता नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में लिखा रहता है फिक्स एसेट में लिखा रहता है टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, और इंटेंजिबल में है गुडविल। तो गुडविल क्या है, फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट खरीदना क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। तो गुडविल खरीदना क्या है।